मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा ज्योतिष शास्त्र पर दी गई टिप्पणी के खिलाफ परशुराम सेना सड़क पर उतर आई है और ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को शाजापुर, कारापीपल और पोलाय कला में अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिए गए हैं। बता दें कि शाजापुर परशुराम सेना ने SDM प्रकाश खस पे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं पोलाय कला में परशुराम सेना के द्वारा तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बाबा रामदेव ने वेद शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए अभद्र टिप्पणी की है, जो ब्राह्मण समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी के साथ ही परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज परशुराम सेना ब्राह्मण समाज पोलाय कला के द्वारा ये बाबा रामदेव जो कि लाला रामदेव हो गए और अभी काफ़ी दिनों से एलोपैथी पे उनका विरोधाभास था, तो वो समझ में आ रहा था कि वो आयुर्वेद का कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु आज कुछ दिनों पहले उन्होंने ज्योतिष विज्ञान जो कि आयुर्वेद के ही जितना पुराना विज्ञान है और जिससे आयुर्वेद की ही उत्पत्ति है, उस पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है जो कि ब्राह्मण समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है, और इस प्रकार के ये अनर्गल भाषण अगर देते रहेंगे तो उनसे हमने अभी उनके भाषण जो उन्होंने बिंदु दिए हैं उनकी वापसी माफ़ी मांगने और उसके लिए ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति जी के नाम। जी, आज मैं पोलाय कला में परशुराम सेना द्वारा बाबा रामदेव के द्वारा ज्योतिष मुहूर्त की आलोचना के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने संबंधी एक ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पेश किया है। उक्त ज्ञापन वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित किया जा रहा है। वहीं कालापीपल में भी बाबा रामदेव के खिलाफ परशुराम सेना ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में जमकर आक्रोश है। वहीं इस दौरान बाबा रामदेव से बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा समाज बाबा रामदेव के खिलाफ अभियान चलाएगा और उग्र आंदोलन करेगा। हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, पतंजलि योग पीठ के जो संस्थापक हैं बाबा रामदेव उर्फ राम किशन जी, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी ब्राह्मणों के ज्योतिष शास्त्र के ऊपर और ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। आने वाले समय पे, आगामी समय पे उन्होंने और एलोपैथी पे भी कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, उसके कारण उन्होंने फिर माफ़ी मांगी और आज पुनः उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर अपनी उंगली उठाई है। तो संपूर्ण सारे विश्व के सनातन धर्म और सनातन प्रेमी हैं उनके हृदय को क्षति पहुँची है और संपूर्ण ब्राह्मण समाज आक्रोश में है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक सटीक ऐसा शास्त्र है जो संपूर्ण जानकारी पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की देता है, और उसके ऊपर रामदेव बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जाने उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, तो वो अपना बयान वापस ले और शासन से हम मांग करते हैं कि वो उच्च से उच्च कार्रवाई करें, और अगर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम उच्च स्तर पर सभी सनातन प्रेमी, परशुराम संगठन और ब्राह्मण समाज उच्च स्तर पर आंदोलन करेगा, और जिसका परिणाम शासन खुद अपनी आंखों से देखेगा और वो बाबा रामदेव भी देखेगा। बोलो परशुराम भगवान की जय।